साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक ही गांव में 18 साल में कुल 30 किसान आत्महत्याएं। आत्महत्या ग्रस्त गांव सिंचाई के कारण आर्थिक समृद्धि की ओर। किसान आत्महत्या ग्रस्त गांव के रूप में बोध बोर्डन की पहचान। यवतमाल जिले के बोध बोर्डन गांव में 2003 से 2021 के बीच 18 साल में कुल 30 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस कारण गांव को आत्महत्या ग्रस्त किसानों का गांव कहा जाता था, लेकिन अब गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से खेत सिंचाई के अधीन आ गए हैं और किसानों की आत्महत्याएं कम हो गई हैं। गांव में सिंचाई के कारण आर्थिक समृद्धि आई है। बोध बोर्डन में 26 जनवरी 2003 को पहली किसान आत्महत्या हुई थी। इसके बाद 2021 तक आत्महत्याओं का सिलसिला जारी रहा। 18 साल में 30 किसानों की आत्महत्याएं दर्ज की गईं, लेकिन अब गांव की तस्वीर बदल गई है। खेती किसानी के अधीन आ गई है। किसान अब साल भर फसल ले रहे हैं और दुग्ध उत्पादन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। गांव के युवा भी कोई ना कोई काम करके परिवार का सहयोग कर रहे हैं। 2005 में शंकर सूर्यभान बागमारे नामक किसान ने आत्महत्या की थी। उनकी पत्नी ने परिवार को संभाला। आमची परिस्थिति बेकार होती। सरकार मदद भेटली, आम्ही चांगले चांगले शेती करत गेलो। चांगलं लेकराला शिक्षण पाणी शिकवत गेलो। लेकर एक मोठी मुलगी अंगणवाडीत लागली, मुलगा एसटीमध्ये लागला। आता चांगली ह्या परिस्थिती। शेतीतनी पीक पाणी होत नव्हतं, त्या पीक पाणी होत नव्हतं म्हणूनच आत्महत्या केली। आणि लय आमची परिस्थिती बेकार होती त्या टायमाला। काही पीक पाणी होत नव्हतं, कुठची मदत भेटत नव्हती, सरकारकडूनही भेटत नव्हती मदत। आता सरकारकडूनही भेटते, सगळंच काही बरोबर आहे। काय नाव तुमचं? शांताबाई शंकर वाघमारे। खुद खेती करके बच्चों को पढ़ाया। उनका बेटा सतीश एसटी में चालक के रूप में नौकरी कर रहा है और बेटी आंगनवाड़ी सेविका है। गांव के सीताराम भुराजी दुमारे नामक सीमांत किसान ने 2012 में आत्महत्या की थी। उनके बेटे नागोराव दुमारे ने मजदूरी करके परिवार को संभाला। नागोराव के बेटे सतीश ने अपने पिता की मदद के लिए खेत में मजदूरी का काम किया। अपनी मेहनत और लगन से VSC तक की पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। उसकी कड़ी मेहनत का फल उसे मिला और उसने एक साथ पटवारी और वन रक्षक पद की परीक्षा पास की। एक महीने पहले ही सतीश ने घाटंजी में पटवारी के रूप में ज्वाइन किया है। माझं नाव सतीश दुमारे। मी बोधबडन गावाचा रहिवासी आहे आणि आमचं गाव आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखलं जातं। माझ्याही घरी 2012 माझ्या आजोबांनी आत्महत्या केलेली आहे। त्याचं एकमेव कारण म्हणजे नापिकी नुकसान आणि सध्याच्या परिस्थितीला 2012-13 एकूण 30 आत्महत्या झालेल्या आहेत शेतकऱ्यांच्या। आणि सध्या आत्महत्याचं प्रमाण कमी आहे, त्याच्यामागचं कारण म्हणजे सध्याचे थोडेफार मुलं एज्युकेट आहे आमच्या गावातले आणि पीक पाणी लोकांना व्यवस्थित होते, त्याच्यामुळे आत्महत्याचं प्रमाण थांबलेलं आहे। काय नाव? माझं नाव सतीश दुमारे। इसके अलावा गाँव में लघु और पाझर तालाब है, इस वजह से बड़े पैमाने पर खेती सिंचाई के अधीन आई है। किसानों ने खेती के साथ साथ दुग्ध व्यवसाय भी शुरू किया है। गांव में 200 से ज़्यादा भैंसे हैं, इससे रोजाना 1000 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। खेती सिंचाई के अधीन आने से अब गांव की तस्वीर बदल रही है। आमच्या गावात काय झालं की 2003 मध्ये ज्यावेळेस पहिली आत्महत्या झाली, त्यावेळेस जिल्हाधिकाऱ्यांसह कमिशनर यांनी सगळ्यांनी विजिट केले। पण त्याच वेळेस काय झालं की त्यावेळेसचे जे कमिशनर आहे आरमुगम साहेब, त्यांनी त्यावेळेस जे सांगितलं होतं की योजनेचा महापूर आहे आणि आपण भगीरथ म्हणून प्रयत्न योजना घेण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे। त्या हिशोबाने मी त्यावेळेस जे सरपंच होतो, तर प्रत्येक घराला दुधाळा जनावर असेल, कृषीच्या योजना असेल, PMRY योजना असेल, किंवा तुमच्या दारिद्र्यरेषेच्या कार्डावर जे स्वर्णजयंती योजना होत्या, ह्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रत्येक घरात योजना पोचवल्या। या योजनेमुळे लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आणि उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे लोकांचा कल शिक्षणाकडे वाढला। शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही। माझ्या गावातल्या लोकांनी शिक्षणावर भर दिला, स्पर्धा परीक्षेत बहुतांश मुलांनी भाग घेतला आणि सक्सेस पण झाले। जसं की आमच्या इथला एक मुलगा तलाठी झालेला आहे,
एक एस टीमध्ये लागलेला आहे आणि हे आत्महत्याग्रस्त परिवारातले मुलं आहे. या व्यतिरिक्तही गावात 2 MD डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे, PSI आहे, पोलीसमध्ये आहे. अशा चांगल्या चांगल्या पोस्टिंगवर आमच्या गावाची नियुक्ती केलेली आहे. तर ही जी समृद्धी गावाला आलेली आहे ती शिक्षणामुळे आणि शासकीय योजनेमुळे आलेली आहे. त्याच्यामुळे निश्चितच गावाची पुरवठा झाली आणि भविष्यातसुद्धा हे गावाचं वेगळं रूप राहील असं मला वाटतं. है ना. अनुप चव्हाण, बोधपूर. आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही. फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ.